जैसे हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करना है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझने के लिए तुम्हें ये समझ होनी चाहिए कि फंक्शन होता क्या है और फिर इनवर्स फंक्शन क्या होता है। तो इनवर्स फंक्शन पता होगा तो तभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ आएगा ना। तो ये फंक्शन और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन जो है ये तुम्हारी बुक में फर्स्ट चैप्टर में जहाँ टाइप्स ऑफ फंक्शंस लिखा है वहां पर डिस्कस किया हुआ है एक्सरसाइज 1.2 से पहले। तो अब फंक्शन क्या होता है बता। फंक्शन फंक्शन मतलब कैसा एज अ काइंड ऑफ डेफिनेशन टाइप ऐसे बताऊं. हाँ डेफिनेशन बताओ या एग्जांपल बताओ, कुछ बताओ। फंक्शन होता है जैसे कि अगर फंक्शन जो होता है बेटा वो एक टाइप का रिलेशन होता है, ठीक है। फंक्शन हाँ जो होता है वो एक टाइप का रिलेशन रिलेशन. होता है। अभी मैं रिलेशन वाली डिटेल में नहीं जा रही, वो फिर मैं जब रिलेशन कराऊंगी तब तुम्हें समझाऊंगी। अभी हम रिलेशन के बिना ही फंक्शन को समझते हैं, ठीक है। एंड एसोसिएशन या इसको ब्रैकेट में लिख दो कॉरेस्पॉन्डेंस। फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द सेट ए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट ऑफ द सेट, ठीक है। फॉर ये कॉल्ड अ फंक्शन इफ के बाद क्या है फॉर ईच. इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ इफ फॉर ईच एलिमेंट। फंक्शन के बाद क्या रहे हो, इफ फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द सेट ए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट ऑफ द सेट बी। ठीक है आगे लिखो। द सेट ए इज कॉल्ड, तुमने डोमेन सुना हुआ है डोमेन, द सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड द सेट बी इज कॉल्ड, क्या कहते हैं सेट बी को, को डोमेन ऑफ द फंक्शन। कोडोमेन. ओके ठीक हाँ है ये फंक्शन की डेफिनेशन है। अब इसका मतलब क्या है, फंक्शन
ठीक है, मान लो ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है। सेट ए में हमने एलिमेंट्स ले लिए, कुछ भी एलिमेंट्स ले सकते हैं। मान लो मैंने ले लिया ए बी सी डी और इधर ले लिया एक्स वाई जेड डब्ल्यू टी। अब मेरे को इन दोनों में एक एसोसिएशन बना रही हूँ, रिलेशन बना रही, ठीक है। मान लो ए जो है वो एक्स से रिलेटेड है, बी वाई से रिलेटेड है, सी भी वाई से रिलेटेड है और डी जो है वो डब्ल्यू से रिलेटेड। अब ये एक तरह की एसोसिएशन हो गई बिटवीन टू सेट्स। हमने क्या एसोसिएशन बनाई, ए एक्स से एसोसिएटेड है, बी वाई से एसोसिएटेड है, सी भी वाई से एसोसिएटेड है और डी जो है वो डब्ल्यू से एसोसिएटेड है, ठीक है। अब ये जो इस टाइप की एसोसिएशन हमने बनाई, ये फंक्शन कब होगी, उसकी कंडीशन क्या है, इफ फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द सेट ए। सेट ए कौन सा, जहां से हम स्टार्ट करते हैं। सेट ए मतलब जिस जहां से एसोसिएशन स्टार्ट हो रही है। इसके हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट ऑफ द सेट बी, या ईच एलिमेंट ऑफ द सेट ए इज एसोसिएटेड। देयर एग्जिस्ट का यहां पर मतलब है ईच एलिमेंट ऑफ द सेट ए इज एसोसिएटेड। एसोसिएटेड, एसोसिएशन वर्ड ऊपर लिखा है ना, तो यहाँ मैं एसोसिएटेड लिख देती हूँ। इज एसोसिएटेड, ऐसे लिख देती हूँ, ईच एलिमेंट ऑफ द सेट ए, तुम्हें ज्यादा समझ आएगा, पहले वाला भी ठीक है, इज एसोसिएटेड विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ द सेट, फिर यहाँ फॉर हट जाएगा। तो एन एसोसिएशन या रिलेशन का है इसको, फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ द सेट ए इज एसोसिएटेड विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ द सेट बी। शायद ये लैंग्वेज से ज्यादा समझ आएगा तुम्हें। ए का हर एक एलिमेंट जो है बी के यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए। तो ए जो है वो सिर्फ एक्स के साथ एसोसिएटेड है, किसी और के साथ नहीं है। बी भी सिर्फ वाई के साथ एसोसिएटेड है, किसी और के साथ नहीं है। सी भी सिर्फ वाई के साथ एसोसिएटेड है और डी जो है वो सिर्फ डब्ल्यू के साथ एसोसिएटेड है। तो ए का हर एक एलिमेंट, ये जो ईच वर्ड मैंने लिखा है, ए का हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड है और यूनिकली एसोसिएटेड है, यूनिक भी हो रही है बात, ठीक है। तो ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे, फंक्शन, ठीक है। और इसको हम एफ से डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल लेटर से फंक्शन को डिनोट करते हैं, जी से डिनोट कर सकते हैं, एच से, स्मॉल लेटर जैसे एफ जी एच ये वाले लेटर यूज करते हैं, या एफ वन एफ टू, इस तरह के लेटर फंक्शन को डिनोट करने के लिए यूज। तो अब ये जो सेट ए है जहां से स्टार्ट हो रहा है वो इसकी डोमेन कहलाता है, पूरा सेट ए, और बी जो सेट है वो इसकी कोडोमेन कहलाता है, ठीक है। और ये जो एफ ए है, हम ये जो एसोसिएशन है इसको कैसे लिखते हैं, एफ ए इक्वल टू एक्स, क्योंकि ए एक्स के साथ एसोसिएटेड है, तो एफ ए इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ बी इक्वल टू वाई। अब सी किसके साथ एसोसिएटेड है, Y. तो फिर से Y, और F of D जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, W, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब ये जो X, Y, W, ये जो है X, Y, W, यहाँ पर क्या है, इसको हम कहते हैं इमेजेस। कैसे बोलते हैं, X is image of A under F, मतलब कि F, जब F फंक्शन चल रहा है
तो एक्स जो है वो ए की इमेज है. इसी तरह से वाई इज इमेज ऑफ, वाई तो दो की इमेज है, तो वाई इज इमेज ऑफ बी एंड सी अंडर है. और डब्ल्यू जो है वो इमेज है ऑफ डी अंडर है. ये अंडर एफ में तुम्हें समझाने के लिए लिख रही हूं, इतना भी काफी. तो एक्स ए की इमेज है, वाई बी की इमेज है, एक्स जो है वो ए की इमेज है, वाई जो है वो बी की इमेज है, और डब्ल्यू जो है वो डी की इमेज है अंडर है. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. अब ये जो एक्स वाई जेड जो इमेजेस आई, इसके सेट को हम कहते हैं रेंज. यहाँ पर हम एक और टर्म डिफाइन करते हैं, रेंज. रेंज क्या होती है? रेंज इज सेट ऑफ इमेजेस. सेट ऑफ इमेजेस क्या कहलाती है? रेंज. तो यहां पर रेंज क्या है? रेंज ऑफ एफ. तो हम क्या कहेंगे? रेंज ऑफ द फंक्शन. तो इस एफ फंक्शन की जो हमने डिफाइन किया है उसकी रेंज क्या है? ए एक्स एक्स वाई. ठीक है, इसका डोमेन क्या था? सेट ए. तो अगर डोमेन पूछा जाएगा तो डोमेन इसका क्या बना? सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? एक्स वाई डब्ल्यू नहीं, ए में ए बी सी डी. ए बी सी तुमने कॉपी कर लिया है, अभी करना है? नहीं नहीं, हो गया कॉपी कर. अच्छा, अब रेंज में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? सॉरी, रेंज तो हो गया. कोडोमेन, कोडोमेन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? एक्स वाई जेड डब्ल्यू टी. एक्स वाई जेड डब्ल्यू टी, राइट. तो ये हमारे पास इसका रेंज, डोमेन और कोडोमेन, तीन चीजें जो होती हैं हमें समझ आनी चाहिए. यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये लिखना आना चाहिए. तुम्हें याद नहीं होगा कि रिलेशन क्या होता था, वरना मैं तुम्हें फंक्शन रिलेशन की हेल्प से भी बता देती, पर चलो वो हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे. अगर तुम्हें नहीं याद है तो अभी हम वहां नहीं जाते. ठीक है. अच्छा, अब मैं एक और सिचुएशन देती हूँ. अब मैंने यहां पर ले लिया ए बी सी डी, और यहां पर वही ले लिया एक्स वाई जेड डब्ल्यू. डी तो नहीं था, क्या था? एक्स वाई जेड टी था. ये सेम एलिमेंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि अलग अलग. ठीक है, कि जो डोमेन में है वो इधर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है. सेम एलिमेंट भी हो सकते हैं दोनों. अब मान लो हमारी ऐसी सिचुएशन होती, मैं ऐसे करती, ए मैप्स टू एक्स, बी मैप्स टू वाई और सी मैप्स टू जेड. तो अब क्या ये फंक्शन कहलाएगा? क्या ये एसोसिएशन फंक्शन है? नहीं. हाँ, क्यों नहीं है? क्योंकि ए डी तो है, डी किसी से मैच नहीं हो रहा. क्या नहीं मैच हो रहा? डी डी वेरी गुड. तो इट इज नॉट अ फंक्शन. इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज डी has no image, या D is not associated, with any element. या D has no image, ऐसे भी लिख. क्योंकि D की कोई image ही नहीं है, D किसी के साथ associated नहीं है, it is not a function. ठीक है, this association is not a function.
ऐसे भी लिख सकते हो, दिस एसोसिएशन इज नॉट अ फंक्शन. और अगर इसको कोई एफ जी एच नाम दे रखा है तो वो नॉट अ फंक्शन हो जाए. ठीक है, ये समझ आ गया. अब मैं एक और सिचुएशन, अब मान लो मैंने ले लिया यहां पर ए बी सी डी और यहां पर ले लिया 1 2 3 4 और मैंने कर दिया ए गोज टू 1, बी गोज टू 2, सी गोज टू 3 एंड सी गोज टू एंड बी गोज टू 5. अब ये फंक्शन है नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें दो एलिमेंट से एसोसिएट होता है. तो अब ये दिस एसोसिएशन इज नॉट अ फंक्शन. Because C has two images, because C belongs to A has two images. तो इसलिए ये function नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन लेते हैं. ये हमारा सेट हो गया मान लो P, ये सेट हो गया Q, ये हो गया मान लो 1 2 3 4 5, हो गया ए बी सी डी और मैं कर रही हूँ 1 goes to C, 2 goes to C, 3 goes to C, 4 goes to C, 5 goes to C. मान लो हम इस एसोसिएशन को F कह रहे थे. अब बताओ कि ये फंक्शन होगा. हाँ, क्यों होगा फंक्शन? क्योंकि जितने भी कोड, जितने भी डोमेन के एलिमेंट्स हैं सब क्या कहते हैं, एक क्या कहते हैं, अलग अलग मतलब उनका एक वो है, वो मैच हो रहे हैं किसी कोड डोमेन के. मैच तो हो रहा है, यूनिक इमेज है. हाँ, यूनिक इमेज है, जबकि यूनिक वर्ड आएगा, यूनिक इमेज है. जैसे 1 की A की इमेज है C, है ना? 1 की और तो कोई इमेज नहीं है, तो हमें यूनिक इमेज चाहिए होती है और सबकी इमेज चाहिए. अब 2 की भी A की इमेज है C, 3 की भी A की इमेज है C, 4 की भी A की इमेज है C, और 5 की भी सेम इमेज है C, पर सबकी एक इमेज है. ऐसा नहीं है कि एक की एक से ज्यादा इमेजेस. ठीक है, तो f इज अ फंक्शन. इसको हम ऐसे भी लिखते हैं सिंबोलिकली, f सच दैट p टू q, डोमेन जो होती है हमेशा पहले आती है, कोडोमेन बाद में आती है. f सच दैट p टू q इज अ फंक्शन. ठीक है, तुमने बुक में देखा होगा ऐसे लिखा होगा, है ना? F such that P to Q, कहां से कहां तक? P से Q तक, it is a function. अब अगर मैं तुमसे पूछूं what is range of F,
रेंज एफ क्या है, रेंज एफ इक्वल टू सी। तो हम सेट नोटेशन में लिखेंगे, रेंज क्या होता है, रेंज इज अ सेट, सेट नोटेशन बना के सी लिखेंगे। यहाँ मैंने लिखा है रेंज इज सेट ऑफ इमेजेस, रेंज इज सेट ऑफ इमेजेस, सेट वर्ड लिखा है ना। तो हमेशा जब भी रेंज लिखें, डोमेन लिखें, कोडोमेन लिखें, तो हमें उसको सेट नोटेशन में लिखना, सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ। अब इस तरह का फंक्शन तुमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है इलेवेंथ में, जिसको हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, नहीं आइडेंटिटी नहीं सर, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट फंक्शन। कॉन्स्टेंट फंक्शन जो होता है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हर एक एलिमेंट जो है सेम एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होता है, एफ सच दैट आर टू आर रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइंड एज एफ ऑफ एनी एलिमेंट इन आर, मान लो हम एक्स कह देते हैं उसको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, एफ एक्स किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, सी के इक्वल है। मतलब ये ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, नंबर्स में लूं तो एफ एक्स इक्वल टू, मान लो मैंने कह दिया 5 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, अभी यहाँ पर सी लिखवा देती हूँ, फिर मैं बाद में एग्जांपल में लेती हूँ, एफ एक्स इक्वल टू सी। तो डेफिनेशन में हम कहते हैं एफ एक्स जो है वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए, मतलब एक्स डोमेन का हर एक एलिमेंट की इमेज जो है किस पे जा रही है, सी पे जा रही है। तो जब डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज एक ही नंबर पे जा रही होती है तो हम उसको कॉन्स्टेंट फंक्शन कहते हैं। तो अगर हम मान लो इफ सी इक्वल टू 5, मान लो ऐसा है, तो जो हमारा फंक्शन बनेगा वो कैसा बनेगा, तो ऐसे हमारे पास रियल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3 सो ऑन, मतलब उसमें हाफ भी हो सकता है, उसमें रूट 3 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -1.5 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, मतलब ऐसे सारे रियल नंबर है इसके अंदर, इसको हम R से डिनोट, और यहाँ पे भी सारे रियल नंबर हम दे सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, 0 सब। तो अब ये यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू सी होना चाहिए, और सी की वैल्यू हमने ले ली 5, तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये जो है -1 जो है कहाँ जा रहा है, 5 पे जाएगा, √3 कहाँ जाएगा, 5 पे जाएगा, 0 कहाँ जाएगा, 5 पे जाएगा, 1 कहाँ जाएगा, 5 पे जाएगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कहाँ जाना है, 5 पे। तो ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है, और इसका तुम ग्राफ भी बनाते थे मैथ्स में, कॉन्स्टेंट फंक्शन का ग्राफ बनाते थे ना, जैसे वहां पर छोटी क्लासेस में बनाते थे। तो जो हमारा एफ एक्स होता है, एफ एक्स इक्वल टू 5, इसका मतलब होता है वाई इक्वल टू 5, कि वाई कोऑर्डिनेट एफ ले लो और एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। एक्स की हर एक वैल्यू के लिए जो वो है वाई की वैल्यू जो है वो 5 है, फंक्शन का मतलब होता है वाई की वैल्यू, तो एक्स की हर एक वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू जो है वो 5 है। तो इसका तुम ग्राफ बनाते थे याद है, छोटी क्लासेस में बनाया, कैसा आता था ग्राफ, रिलेट करो अपनी पढ़ाई को, रिलेट करोगे तभी बात समझ में आएगी। 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 5, 1 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 5, हाफ पे वैल्यू कितनी आ रही है, 5, ठीक है ना, 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 5,
1.9 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 5। हर एक जगह पे वैल्यू 5 रहनी है क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू सी रहना है जो भी हमने सी ले लिया। तो अगर हमने सी 5 ले लिया तो 5 ही आनी है, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका जो ग्राफ है कैसा आएगा, ऐसे बनता चला जाएगा। और इसी तरह से इधर नेगेटिव्स पे भी वैल्यू कितनी आनी है, 5 ही आनी है। माइनस वन ले तो 5, माइनस 1.1 ले तो 5, माइनस 2 ले तो 5, माइनस 0.1 ले तो 5। तो ये वैल्यू ऐसे ही आनी है, ये ऐसे ग्राफ। तो कौन सा ग्राफ कहलाता है, ये ग्राफ ऑफ कॉन्स्टेंट फंक्शन इज अ, कैसा होता है कॉन्स्टेंट फंक्शन का ग्राफ, इट इज अ, मतलब हाँ इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये होता है कॉन्स्टेंट फंक्शन ग्राफ। जो फंक्शन होते हैं इनको फिर हम ग्राफ से कनेक्ट करते हैं, जैसे तुमने साइन फंक्शन पढ़ा है ना, कॉस फंक्शन पढ़ा, इस तरह से। तो फंक्शन जो होते हैं वो फिर ग्राफ से कनेक्ट हो जाते हैं। फंक्शन का हम ऐसे करके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो एफ एक्स की वैल्यू होती है वो वाई होता है। अगर हमारे ये नंबर होते इधर तो हम इसमें भी ऐसे एबीसीडी की वैल्यू हमें पता होती तो इसको भी ऐसे कर सकते। तभी तो मैंने समझाने के लिए सिर्फ एबीसीडी ले लिया, लेकिन जब हमारा रियल नंबर टू रियल नंबर होता है तो हम इस तरह से ग्राफ बना पाते हैं, या नेचुरल नंबर, रियल नंबर से नेचुरल नंबर, या जो भी। ठीक है, समझ आई बात, समझ में आ रही। इसे बनाना नहीं चाहिए, बना लो। हाँ ठीक है, तो रिलेट कर पाओगे ना अपनी पढ़ाई को। ये सारी चीजें तो रिलेटेड है। ये तो 11th में तुमने किए थे ग्राफ, ये सारे कांस्टेंट फंक्शन सारे ग्राफ 11th में किए। एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन जो तुम्हें रिकॉल करना है इस आइडेंटिटी फंक्शन। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स। एफ एक्स इक्वल टू एक्स का मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट जो है वो किसके ऊपर मैप कर रहा है, एक्स गोज टू एक्स। तो कोई भी एलिमेंट है वो किस पर मैप करेगा, एक्स एक्स पे मैप कर रहा है। इसका मतलब वाई वाई पर मैप करेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पर लिखूं एक्स वाई, तो हमारे पास एफ जीरो किसके इक्वल आएगा, अगर एक्स की जगह जीरो लिखेंगे तो एफ जीरो किसके इक्वल आएगा, एक्स नहीं जीरो, तो एक्स जीरो है तो इधर भी तो एक्स जीरो आएगा, सेम ही तो एक्स है। अच्छा हाँ हाँ, तो एफ जीरो किसके इक्वल आएगा, जीरो, जीरो के। एफ हाफ किसके इक्वल आएगा, हाफ हाफ। एफ वन किसके इक्वल आएगा, वन वन। एफ 1.1 किसके इक्वल आएगा, 1.1, ठीक है ना। F2 किसके इक्वल आएगा, 2 के। इसी तरह से F of root 2 किसके इक्वल आएगा, root 2 के। F3 किसके इक्वल आएगा, 3 के। F of -1 किसके इक्वल आएगा, -1। -1.5 करोगे तो -1.5, -2 करोगे तो -2, -7 करोगे तो -7, ठीक है। तो अब इसकी, इस फंक्शन की डोमेन क्या है, जो पहला ये सेट लिखा होता है इसको हम क्या कहते हैं, डोमेन। तो इसकी डोमेन क्या है, ये -7 -2, ये हाँ, ये जो ये सेट लिखा है, ये सेट क्या कहलाता है, डोमेन। जैसे एफ ए से बी था, जब यहाँ पर एफ जो है स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया था, एफ ए से बी जा रहा था, तो इसमें ए इसकी डोमेन थी और बी इसकी
क्या थी? कोड में। तो इसी तरह से यहाँ पर एफ आर से आर जा रहा है, तो इसमें इसकी डोमेन क्या हुई? आर। आर कोडोमेन क्या हुई? आर। और रेंज किसके इक्वल आएगी? एक्स। रेंज किसके इक्वल आएगी? जो रेंज है वो क्या होता है? जो सेट ऑफ इमेजेस है, मैंने ये वाई लिख दिया, ये है तो एफ एक्स ना। एफ एक्स को ही तो हम वाई कहते हैं ना। तो रेंज क्या आएगी? रेंज तो वही, वो तो सेम हो गया ना, मतलब सबका तो सेम जा रहा है। तो ठीक कह रहे हो। हाँ, तो रेंज क्या आएगी? सारी लिखने पड़ेंगे -1 -2। हाँ, तो ये क्या बनेगा? पूरा सेट क्या बन जाएगा? एक्स। अगर मैं ये यहाँ पर एक्स में, यहाँ पर हर एक रियल नंबर यहाँ पर लिखती जाऊंगी डोमेन में फंक्शन के अंदर, तो मेरे पास आंसर में सेम नंबर आता जाएगा। हाँ, तो रेंज क्या बनेगी? आर हो जाएगा। रेंज आर ही हो जाएगी। ये माइंड में सोचना है हमको। हम सारे रियल नंबर तो लिख नहीं सकते, तो हमें ये थोड़ा सा लिख के सोचना होता है कि क्या बन रहा है। तो अगर हम सारे रियल नंबर x की जगह यहाँ पुट करते जाएंगे तो हमारे पास रेंज r आएगी ना। तो रेंज क्या हो गई? इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ बनाओ इसका। किस तरह का ग्राफ बनेगा सोच सकते हो? 1 maps to 1, 2 maps to 2, 1/2 maps to 1/2। तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका? 0 maps to 0 करके देखो कैसे ग्राफ बन रहा है। एलिमेंट्स मैप करो और फिर ज्वाइन करो। तो ये तो उन्हीं पे आ जाएगा, मतलब वन का हाँ, तो आता रहेगा। तो करो जैसे मैथ्स में ग्राफ बनाते हैं, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3। तो मैप जब वाई कोऑर्डिनेट की जगह पुट करोगे तो क्या आएगा वहां? कैसे ग्राफ बना? वन से वन में कनेक्ट, मतलब वो तो सिर्फ उसी पे कनेक्ट करना, पॉजिटिव वन को पॉजिटिव वन में, तो मतलब कैसा बनेगा? मतलब हाँ, तो मार्क करते जाओ और मुझे बताओ ग्राफ कैसा है। ये जो पॉइंट्स हैं 1 1 2 2 -1 -1, जो √2 √2 मत मार्क करने बैठो, जो आसान है वो मार्क करो। तो वो मार्क करके और फिर उसको ज्वाइन करो, देखो कैसे ग्राफ आया। तो ये तो मतलब बस एक लाइन बन रही है और वो, हाँ, कैसी लाइन बन रही है वो, हो गया कहते हैं वो बीच में से जा रही है, जीरो से क्रॉस कर रही है। हाँ, वेरी गुड। तो ये क्या बन जाती है? एक स्ट्रेट लाइन बन गई पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन, हाँ। तो इसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। जैसे जैसे तुमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ी थी ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऐसे ही आइडेंटिटी फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसा ग्राफ बना ना तुम्हारा। हाँ। तो ये तो हमारा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, हमने मैप किया। ठीक है, अगर तुम एफ एक्स इक्वल टू 2x करते मान लो, तो क्या होता? 1 maps to कहाँ आ जाता? 2 पे। 2 maps to 4 आ जाता। 3 maps to 6 आ जाता, है ना। और 0 तो 0 पे ही रहता। और फिर -1 maps to डबल करोगे तो क्या आएगा? -2। हाँ, ये देखो ना, यहाँ पर हमने x ले लिया, यहाँ एफ एक्स ले लिया। तो अगर मैं 0 लेती हूँ तो 0, -1 जो है क्या आएगा? -2। -2 जो है क्या आएगा? -4। ऐसे आएगा ना। 1 1 पे आएगा, 2 2 पे आएगा। तो अगर हमने एफ एक्स इक्वल टू 2x ले लेते तो ऐसे आता, सॉरी 2 4 पे आता। तो ये सब जब हम
यहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ग्राफ कैसा आएगा? अब कैसा ग्राफ बनेगा? कैसा ग्राफ बन रहा? ये भी नहीं बन रही है, बट ये रीजन से नहीं जा रहा, लेकिन क्या नहीं हो रहा? मतलब लाइन तो ये भी बनी रही है बट ओरिजिन से नहीं जा रहा ये। ओरिजिन से क्यों नहीं जाएगा? जीरो मैप टू जीरो है तो अच्छा हाँ हाँ एक मिनट, बिल्कुल ओरिजिन से क्यों नहीं जाएगा? हाँ वो तो तुमने रफ बनाया ना, अगर तुम हाँ उसको ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो फिर ठीक आएगा, जा रहा है ना? वो तो तुमने रफ बनाया इसलिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है। तो ये देखो ऐसा ग्राफ बन गया, ऐसे ग्राफ बन गया ना, तो ये इस तरह से ग्राफ बन जाए। तो एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स हो या एफ एक्स इक्वल टू कुछ भी एक्स हो, कोई भी एम एक्स हो, कोई भी रियल नंबर हो, यहाँ पर एम बिलोंग्स टू आर और एम नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका ग्राफ कैसे जाएगा? इसी तरह से जाए, ठीक है? एम ग्रेटर देन जीरो। अगर मान लो एफ एक्स इक्वल टू माइनस टू एक्स हो तो ग्राफ कैसा बनेगा? वो हो जाएगा फिर, तो अगर माइनस टू एक्स हो तो वन कहाँ पे जाएगा? वन की इमेज कहाँ जाएगी? माइनस टू, माइनस टू की कहाँ जाएगी? प्लस फोर, प्लस फोर। माइनस टू एक्स है हाँ, तो माइनस टू की इमेज कहाँ जाएगी? माइनस टू एक्स एक्स है ना, तो माइनस माइनस टू की फोर पे जाएगी, सॉरी। नहीं यार लिख लेती पहले, जीरो पे जीरो। मैं तुम्हें खेल करवा रही हूँ बेसिकली, जिससे तुम्हारी फंक्शन से दोस्ती हो जाए। वन पर क्या है? वन पे माइनस टू, माइनस टू पे क्या है? फोर, माइनस फोर। हाँ यहाँ पुट करो ना, हाँ माइनस टू पे फोर है, टू पे फोर है, हाँ माइनस टू है। थ्री पर माइनस सिक्स। तो अगर हम 1.5 या ऐसे नंबर लेंगे तो उसमें भी हमारे पास वैसे ही आंसर आ जाएंगे। मान लो मैं 1.5 लेती तो भी वैसे ही कुछ नेगेटिव आंसर आ जाएगा, है ना? और माइनस वन लेते हैं तो क्या आएगी? टू। टू। माइनस टू लेते हैं तो माइनस थ्री पर सिक्स, और ऐसे चलता जाएगा, ठीक है? तो अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? प्लॉट करो। कैसा बना ग्राफ? ये तो वैसे है? मतलब माइनस टू से नीचे वाले उसमें लेंगे ना, मतलब माइनस टू पर फोर आ रहा है तो माइनस टू फोर प्लॉट करो, माइनस वन पर टू आ रहा है तो माइनस वन टू प्लॉट करो, तो कैसे ग्राफ आ रहा है? टू पे फोर, माइनस टू पे फोर आ रहा है, माइनस फोर आ रहा है, और फिर तो ये कनेक्ट थोड़ी होगा फिर ये तो, वो इसलिए क्योंकि ग्राफ पेपर पर नहीं कर रहे, पर तुम अगर इमेजिन करो ना तो कैसा कैसी लाइन बनेगी? अगर इसको जैसे वन को अगर हम माइनस टू से कन्वर्ट करें तो ये तो एक हो गया, फिर दूसरा अगर हम टू को माइनस फोर से करें तो फिर ये कनेक्ट थोड़ी होंगे, मतलब ये तो पैरेलल पैरेलल सा कुछ हो जाएगा, एक एक लाइन करके हो जाएगा ये तो, मतलब कनेक्ट कैसे होगा? नहीं कुछ कंफ्यूज हो रहे हो तुम। ये देखो वन को तुमने माइनस टू पे प्लॉट किया ऐसे, हाँ
टू को माइनस फोर पे प्लॉट किया ऐसे, थ्री को माइनस सिक्स पे प्लॉट किया ऐसे. अच्छा, तो अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे ना, लेफ्ट साइड से जाएंगे. हाँ हाँ ओके ओके. माइनस वन को टू, माइनस टू पर फोर, ऐसे तुमने प्लॉट किए और फिर इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया. ठीक है, तब जब ज्वाइन किया तो ऐसे लाइन आ जाएगी, नहीं आ जाएगी. मैं तो अभी रब बना रही हूँ, अगर ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट लाइन बन जाएगी, है ना. ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये ऐसे ठीक जगह पे लाइन के ऊपर ही आएंगे, कोई भी लाइन के बाहर नहीं आएगा. ग्राफ पेपर पे करोगे तो बिल्कुल ऐसे आए. ठीक है, समझ आ रही है. तो अब ये मुझे बताओ, जब मैंने एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स किया तो इसकी डोमेन क्या है. एफ सच देट आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स, इसकी डोमेन क्या है. इसकी डोमेन आर, रेंज आर, नहीं कोडोमेन आर, कोडोमेन आर, और रेंज तुम बताओ. रेंज में तो ये रेंज, रेंज यार कुछ और कहीं रेंज आ रही है. हाँ आ आएगी. जब हम टेबल बना रहे हैं तो हमें यहाँ पर सारे इवन नंबर दिख रहे हैं, लेकिन जब हम बीच के पॉइंट्स लेंगे, जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर 1.5 ले लूँ तो उसका डबल 3 हो जाएगा, है ना. अगर मैं 0.1 ले लूँ तो उसका डबल 0.2 आ जाएगा, आ रहा है ना. तो इस तरह से जैसे जैसे हम और बीच बीच के पॉइंट्स लेते जाएंगे तो हमारे पास रेंज जो है वो सारे रियल नंबर आ जाएंगे. ठीक है, और इसी तरह से एफ एक्स इक्वल टू माइनस टू एक्स, इसमें इसकी डोमेन क्या होगी. डोमेन क्या होगी इसकी, माइनस डोमेन, डोमेन डोमेन इसकी आर ही होगी. आर, हाँ कोडोमेन, कोडोमेन भी आर होगी. रेंज, रेंज भी आर ही होगी. रेंज भी आर बन रही है. हाँ सब रियल. ठीक है, समझ आ गया. आज ऐसा करना सिद्धार्थ, थोड़ी देर बैठ के ना कॉर्पस 11th की बुक तो होगी ना. हाँ हाँ, उसमें जो फंक्शन वाला चैप्टर है ना बेटे, वो थोड़ा कर लेना उसकी एक्सरसाइज उठा के. ओके, तो उससे ना तुम्हें थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी इस टॉपिक की. ठीक है, एफ सच दैट आर टू आर ऐसा मॉड एक्स जानते हो ना. हाँ हाँ, तो अब अगर हम इसकी टेबल बनाए तो कैसे बनेगा. जीरो पर वैल्यू क्या आएगी. जीरो, जीरो. हाफ पर वैल्यू क्या आएगी. हाफ से हाफ. वन पर, वन. टू पर, टू. ठीक है, 2.5 ले तो 2.5. 3 पर, 3. और माइनस हाफ पर वैल्यू क्या आएगी. हाफ. माइनस वन पर वैल्यू क्या आएगी. वन. माइनस टू पर, टू. तो अब बताओ इसका डोमेन क्या होगा. डोमेन क्या है इसका. रियल. आर रियल ना, रियल आर. और रेंज क्या होगी. रेंज पॉजिटिव रियल नंबर. हाँ पॉजिटिव रियल रेंज इसमें हो गई. पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो. जीरो भी आ रहा है ना. इंक्लूडिंग जीरो. तो जब जीरो इंक्लूडेड होता है तो उसको कहते हैं नॉन नेगेटिव रियल. नॉन नेगेटिव रियल. इसका ग्राफ कैसा होता है सोच सकते हो. इसका ग्राफ कैसा होगा. ओह
पैरेलल टू वाई एक्सिस पैरेलल कैसे हो सकता है? पैरेलल तो तब होता है जब वैल्यू सेम रहती है, यहाँ पर वैल्यू सेम थोड़ी रह रही है, हर नंबर की वैल्यू चेंज हो रही है ना, वन पे वैल्यू कुछ और है, टू पर कुछ और है। पैरेलल तो तब होता है जब सारी वैल्यू सेम होती है, जैसे यहाँ पे था ऊपर सारे एक ही पे जा रहे होते हैं, एफ एक्स इक्वल टू फाइव, सबकी आंसर फाइव है, सब पैरेलल हो गया। यहाँ तो वैल्यू चेंज होती जा रही है, वन की वन, टू की टू, 2.5 पर 2.5, तो जब ये प्लॉट करोगे जीरो पर जीरो तो कैसा ग्राफ बनेगा? तो ये भी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा फिर, ये भी तो मतलब बनाओ कैसा ग्राफ बनाए इसको। वही वो इधर तो दो लाइन आएंगे फिर तो एक ये लेफ्ट साइड से बनेगी और फिर एक राइट साइड से बनेगी, वो राइट टू लेफ्ट जाएगी और लेफ्ट टू राइट जाएगी, क्रॉस करेगा फिर वो ओरिजिन को। नहीं तो क्रॉस बनेगा या कैसा बनेगा? क्रॉस कैसे बनाया तुमने ग्राफ? मतलब ये जो ये लाइन तुमने बनाई बनाई कॉपी में ज्वाइन किए ये पॉइंट्स ऐसे? हाँ ठीक है, तो इसको यहाँ पे नीचे भी लाए ना हैं? नीचे नहीं, नीचे तो कोई बनी नहीं रहा वैसे, बट माइनस वन पर वैल्यू क्या नीचे जा रही है? नहीं फिर माइनस वन पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है ना माइनस वन का, तो वो तो वापिस ऊपर ही आ रहा है, वापिस ऊपर जाएगा, यही बात समझने की है इसमें, है ना। तो कैसा ग्राफ बन रहा है, क्या शेप बनी उसकी, क्या कहेंगे इस शेप को, कौन सा लेटर होता है सब? वी। हाँ, तो इसको ग्राफ जो होता है ये क्या होता है, वी शेप। ठीक है, मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, वी शेप। ठीक है, और इसकी रेंज क्या होती है, पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। इसको हम लिखते हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स तो है ही, पर इसमें जीरो भी इंक्लूडेड है, तो यूनियन जीरो, या इसके लिए टर्म होती है नॉन नेगेटिव रियल। ठीक है, आई होप तुम्हें कुछ कुछ समझ में आया, है ना, ग्राफ्स और फंक्शंस कुछ समझ में आया। तो अपनी बुक से भी थोड़ा पढ़ लेना इसको, फिर जो नहीं समझ में आएगा फिर मैं तुम्हें समझाऊंगी, सॉल्व एग्जांपल्स, क्वेश्चंस, ये जो फंक्शन है ना, और इलेवेंथ वाला भी देख लेना, इलेवेंथ का देखोगे तो और क्लैरिटी होगी।